ये वॉल रैक है, वॉल रैक ये इसका डायमेंशन है 3x7। की प्राइस की बात करें तो ये लगभग, तो ये स्टॉक आप होलसेलर से खरीदते हैं, कितना आपको बचता है, प्रॉफिट होता है? तो कस्टमर्स के लिए आप डिस्काउंट्स का भी कुछ सिस्टम बना के रखे होंगे कि? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज लाइव डेमो, लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे स्टोर का, कैसे आप स्टोर खोल सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बढ़िया सा स्टोर लाइक जो मैंने अभी डेमो दिखाया। तो शुरू करेंगे, आपको पूरी डिटेल देंगे कि कितना खर्चा आता है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया, पर आप एक छोटा स्टोर खोल सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स देंगे एस मार्ट के ऑनर मिस्टर अजीत कुमार, और पूरी डिटेल्स आपको समझाएंगे कैसे ये स्टोर आप खोल सकते हैं, कितना इन्वेंट्री, कितना स्टॉक, कैसे बिलिंग बनाना है, सब कुछ। वीडियो को पूरा देखना, सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मिस्टर अजीत कुमार जी, हमें थोड़ा सा बताएं, जैसे हमने पिछली वीडियो बनाई थी तो उस पर हमने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाए थे इन डिटेल की, कितना आपको कैसे मैनेज करना है, थोड़ा सा इसमें हमें समझाएं कि कैसे शुरू हो सकता है और अभी आपने कितना ग्रो कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सोनी, मैं एस्मार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था, आज से करीब 10 महीने पहले, जब हमारा स्टोर स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे हम स्टार्टअप में थे और चीज़ों को सीख रहे थे, देख रहे थे, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अब मैं एक, कहा जा सकता है कि मैं स्टोर के लिए एक मैच्योर पर्सन हो चुका हूँ और मैं काफ़ी अच्छी तरह से इसको संभाल पा रहा हूँ, और पहले से अभी में बहुत डिफरेंस भी आया है स्टॉक को लेकर, हमारी सामान को जमाने के तरीके को लेकर, कस्टमर मैनेजमेंट को लेकर। और कस्टमर मैनेजमेंट के लिए हमने ऐप भी इंस्टॉल कर लिया, ERP इंस्टॉल कर लिया है, मार्क सॉफ्टवेयर है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं स्टोर को बहुत अच्छी तरह से संभाल पा रहा हूँ और मेरा स्टोर काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है और धीरे धीरे और भी ग्रोइंग स्टेज पर है। तो सर, बिलिंग के लिए आपने क्या सॉल्यूशन निकाला? बिलिंग जैसे पिछली बार नहीं था, इस बार बिलिंग का सॉल्यूशन बताएं। एग्जैक्टली, लास्ट टाइम हमारे पास बिलिंग सिस्टम नहीं था, हम मैन्युअली हाथ से ही बिलिंग कर रहे थे। अभी इस बार मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे मार्क सॉफ्टवेयर से। मार्क ERP हमने इंस्टॉल किया है, ये एक हमारा सुपर स्टोर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में। मार्क एप्लीकेशन है जिसमें हम सबसे पहले इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आइटम लिस्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद इन्वेंट्री स्टोर होती है हमारी, जिसमें हमारा सारा स्टॉक मैनेजमेंट होता है, कितना स्टॉक हमारे पास है, किस सामान का स्टॉक कितने काउंट में है और कहाँ पर रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें भी हैं, और उसके बाद हम उससे बिल क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर्स के लिए आप डिस्काउंट्स का भी कुछ सिस्टम बना के रखे होंगे? एग्जैक्टली, जनरली हमने लास्ट टाइम जब हमारा वीडियो क्रिएट हुआ था उस टाइम पे हमारा ऑफर चल रहा था 5% ऑन बिलिंग। अभी वो 5% ऑन बिलिंग करके हमने थोड़ा सा, अब बनी बात है कि हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट भी अब ज़्यादा चाहिए, या फिर हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे कि हम यहाँ से थोड़ा इनपुट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा ले सकें, इसके लिए हमने अब उसको कन्वर्ट करके 5% ऑन बिलिंग ऑन परचेज ऑफ 500 हमने उसको अभी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है कि 500 की परचेज पर ही डिस्काउंट होगा 5%। और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसमें हमारा मार्जिन ज़्यादा रहता है, उसमें हम 5%, 10%, 15%, 20% तक के ऑफर हमने दिए हैं। कुछ हमने ऑफर वाले आइटम भी लेकर आए हैं जिसमें हमारा बाय वन गेट वन, या फिर एक आइटम के साथ कुछ और आइटम साथ में फ्री भी हैं, ऐसे भी हमने कई सारे आइटम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। और कुछ जनरल स्टोर्स में हम क्या करते हैं ऐसे स्टोर्स में कि कुछ आइटम ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, हमारा प्रॉफिट जिसमें ज़्यादा होगा तो बनी बात है उसकी सेल के लिए हम उसको प्रमोट भी करेंगे, ऐसे आइटम्स को हम थोड़ा प्रमोट करते हैं। और ऑब्वियसली जो रनिंग आइटम है उसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है, सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद हमको कहीं भी प्रॉफिट नज़र नहीं आता है उसमें। तो रेगुलर आइटम्स को साथ में रखते हुए और अदर आइटम, न्यू आइटम इंट्रोड्यूस करके, न्यू कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस करके उनसे हम प्रॉफिट अर्न करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सर ये बताएं कि जैसे आपने स्टॉक काफ़ी मैनेज कर लिया, अभी रख लिया है, तो ये स्टॉक आप होलसेलर से खरीदते हैं, कितना आपको बचता है, प्रॉफिट होता है? एग्जैक्टली, जनरली हम दो प्रकार के हमारे वेंडर होते हैं जहाँ से हम माल परचेस करते हैं। सामान के लिए सबसे पहले हम कंपनीज, जो एजेंसीज हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं। तो कहा जाए तो कुछ एजेंसीज हमारे लोकलाइट में भी अवेलेबल रहती हैं, जैसे हमारा बरही कस्बा है, तो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जैसे HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और उसके बाद PNG है, उसके बाद कहा जाए तो डाबर है, ये सब कंपनीज हमारे, एजेंसीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम उनसे लेना, परचेज़ करना थोड़ा सा बेहतर समझते हैं क्योंकि बाई चांस कभी कुछ आइटम
लेट सेल हुआ या फिर कुछ भी एक्सपायरी हुआ तो उधर पे एक्सचेंज और ये सब प्रोसेस फॉलो हो जाता है। और जनरली हम बल्क में आइटम लेने के लिए जैसे कि हम एजेंसी से स्पेसिफिक आइटम ही ले पाते हैं, जैसे कि डाबर है तो डाबर का प्रोडक्ट ही ले पाएंगे। अच्छा। और थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम होलसेलर से भी कॉन्टैक्ट करते हैं क्योंकि होलसेलर्स के पास सारी रेंज अवेलेबल रहती है और हर प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, राइट। तो उनसे भी कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे हम बहुत कम समय इन्वेस्ट करके बहुत कम टाइम में हम बल्क परचेज एक साथ सारी वैरायटी हम ले सकते हैं और कई ऑफर वाले आइटम भी वहाँ पे हमको मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये मतलब देखिए हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई स्टोर खोलना तो है चलिए, है ना, तो कितना खर्चा लगभग लग जाता है पूरा स्टोर बनाने में, है ना। एक मान लीजिए 10x15 का एक फिट का एक स्टोर खोलना है तो लगभग उसमें कितना खर्चा लग जाएगा विद रैक्स, है ना, एक छोटा सा बिलिंग सिस्टम प्लस जो हमारा इन्वेंट्री सामान, राइट। मैं सबसे पहले अपने स्टोर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैंने स्टोर स्टार्ट किया था और उस टाइम पे मैंने लगभग 20 लाख के अराउंड इन्वेस्ट किया था। हाँ। और ये मेरा 25x50 का एरिया है जो कि एक ऐसे स्टोर के लिए बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। और इसमें स्टॉक मेरे को सारे रैक्स कम्प्लीट करने में और सारे रैक्स के बाद स्टॉक कंप्लीट करने में लगभग 22 लाख एक्सपेंसेस आ गए थे। और वो मेरा आज की डेट में सब कुछ अगर कहा जाए तो मेरा जो स्टॉक कहा जाए असेट्स है मेरी और असेट्स प्लस स्टॉक वो मेरा 25 क्रॉस हो चुका है। लेकिन हम इसको छोटे से रूप में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। okay. कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि हम उसको कोई फॉलो करें, कोई प्रोसेस नहीं है फॉलो करें। अपन सबसे पहले एक रैक्स के लिए एक वेंडर कांटेक्ट कर लें जिसके लिए मैं रेफरेंस दे सकता हूं। अच्छा। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जबलपुर और रीवा जैसे शहर जो हमारे नियरेस्ट हैं वहाँ पर भी ऐसे रैक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ। और बहुत ईजिली तरीके से वो हमको डिलीवर कर रहे हैं। अभी यहाँ से पास में 25 किलोमीटर खितौली है, वहाँ पर भी एक स्टोर स्टार्ट हुआ है और खितौली तो बरही से भी छोटा है फिर भी वहाँ पे एक भैया हैं उनने स्टार्ट किया। कहाँ का स्टोर है? वो पतंजलि स्टोर है, पतंजलि आरोग्य केंद्र। उन्होंने भी सेम ऐसे ही रैक्स लगाए हैं और अपना पतंजलि का सारा स्टॉक रख के उनने और बहुत ही अच्छा स्टोर स्टार्ट किया है। बढ़िया। तो हम 3-4 लाख में बहुत अच्छा स्टोर स्टार्ट कर सकते मतलब हैं। बहुत वैरायटी ना रख के हम स्पेसिफिक वैरायटी जो हमारे एरिया में रनिंग है रनिंग जिनकी डिमांड है नया आइटम इंट्रोड्यूस अभी ना करें जब तक आप स्टार्टअप में हैं और जब तक आप एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं आ जाते हैं नया आइटम इंट्रोड्यूस ना करें। मैंने तो कहा जाए तो 50% आइटम मेरे पास ऐसा है जो कि डिमांडिंग नहीं है लेकिन मुझे सेल करने में प्रॉफिट ज्यादा है इसलिए मैं उनको रखता हूँ। प्रॉफिट प्लस कस्टमर जाए लौट के वापस से ना। एग्जैक्टली, वैरायटी मेंटेन करने के लिए। तो ये सब आप भी कर सकते हैं कि ज़्यादा वैरायटी ना रख के 3-4 लाख में एक छोटा सा स्टोर 10x15 या 10x10 में स्टार्ट किया जा सकता है। ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स को भी थोड़ा सा अवॉइड करें, किराना का सारा रेंज रखें, ग्रॉसरीज ज़्यादा रखें तो आप बहुत अच्छा स्टोर मेंटेन कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है। तो थोड़ा सा बिलिंग चल के हमें दिखाएं कैसा है बिलिंग सिस्टम एक बार, हमको हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं बिलिंग सिस्टम कैसे आप करते हैं, थोड़ा सा बिलिंग के देखेंगे अपन चल के। आइए देखते हैं फिर हम हमारा बिलिंग सिस्टम और कैसे हम कस्टमर्स का बिल क्रिएट करते हैं। जैसे हम काउंटर के बारे में बात कर रहे थे, ये काउंटर हमारा लगभग 21,000 का है। हम अगर प्लाईवुड का बनवाने जाते हैं तो लगभग इतनी ही कॉस्ट आती है लेकिन उसका लुक अलग होता है, वो नॉर्मल लोकल लुक देता है जैसे हमने सभी जगह देखा है। ये ऐसे काउंटर्स होते हैं जो कि बहुत ऐसे स्टोर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और जैसे हम बिलिंग करने के लिए बहुत हमारे मतलब फ्रेंडली होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं। हमने बिलिंग सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है और बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए हमने मार्ग बिजनेस बैकबोन मार्ग सॉफ्टवेयर ERP हमने इंस्टॉल किया है। और इसके बारे में हम अगर बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या आइटम लिस्ट क्रिएट करते हैं, इसमें हमारी एक आइटम लिस्ट होती है, ये हमको क्रिएट करना होता है कि हमारे शॉप में क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है। इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं डिटॉल सोप रेट लिखा हुआ है, पीसीएस अभी मैंने स्टॉक का काउंट अपडेट नहीं किया है, वो सब धीरे धीरे जैसे हमारा स्टोर बढ़ता जाएगा तो हम ये सब स्टॉक मेंटेन करना चालू करेंगे। और जैसे डव सोप MRP अपडेट है, ऐसे करके सारा आइटम लिस्ट हमारा क्रिएट हमारे स्टोर में सामान क्या क्या है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बिलिंग पे, कस्टमर की बिलिंग कैसे होती है। हमने जैसे इसमें बिल रिटेल बिल होलसेल, अभी हमारा रिटेल स्टोर है तो हम सिर्फ रिटेल बिल ही काटेंगे, होलसेलर्स होलसेल बिल काटते हैं। तो रिटेल बिल में हम जाएंगे, रिटेल बिल हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट करना है। जैसे ही मैं आपका ही बिल अगर क्रिएट करूँ मैं तो आपका फ़ोन नंबर बता दें मुझे, मैं प्रकाश भैया का बिल बना रहा हूँ, फ़ोन नंबर हो गया, ये आ गया मैं
प्रोडक्ट लिस्ट में आइटम है, जैसे किराना आइटम, उसमें बारकोड्स नहीं होते हैं, तो उसमें हम बारकोड प्रिंट करके प्रिंटेड लगाना पड़ता है, प्रिंटर हमारे पास रहता है, प्रिंट करके उसमें स्टिकर लगा देते हैं, तो वो भी हमारा एक ऑटो बिल जनरेट करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। जैसे कि अभी हम बिल बना रहे हैं, तो चार आइटम मेरे पास अभी रखे हैं, तो इनका बिल बनाते हैं। ये मैंने स्कैन किया, ये ताजमहल चाय का एक बिल बन गया, फिर रेड लेवल चाय। अच्छा, ये स्कैन होते जा रहे हैं, ये स्कैन होता जा रहा है और इसमें आइटम लिस्ट क्रिएट होती जा रही है। तो और एंटर किया मैंने, देख सकते हैं, सबसे पहले कस्टमर नेम, यू सेव्ड, कस्टमर हैज सेव्ड 16 रुपी, प्रकाश भैया है सेव्ड 16 रुपी ऑन दिस बिल। तो अभी आपने बिलिंग सिस्टम दिखाई है ना, इस बहुत अच्छी लगी, और थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उन लोग क्या करें, स्टोर खोलना है उनको, है ना। बहुत से लोग कमेंट्स बहुत आते हैं कि भाई ग्रॉसरी स्टोर खोलना है, ग्रॉसरी स्टोर खोलना है, तो क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा उनके लिए कि नहीं, कैसे वो प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, और घाटा क्यों हो जाता है, ये भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो बताइए सर। एग्जैक्टली, सबसे पहले हमारा जो स्टोर है बहुत बड़ी सिटी में नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है बरही, यहाँ पे लगभग पॉपुलेशन होगी 25 to 30,000 की अप्रॉक्स पॉपुलेशन है। इतनी छोटी प्लेस पे भी मैंने स्टार्टअप लिया और इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया मैंने। इसके लिए कोई बहुत बड़े ज़्यादा अपन को टेंशन नहीं लेना है कि हमारा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या कैसे क्या करना है। बेसिकली आपको सबसे पहले तो पहले अपने आप को मोटिवेट करिए कि मैं ये कर सकता हूँ। सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए हम अंदर से एनर्जी होनी चाहिए कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, और फिर आप अपना बजट बनाइए, जितना ज़्यादा बजट उतना ज़्यादा आपका नाम होगा और उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, और कम बजट में भी अच्छा काम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 to 4 lakh के अप्रॉक्स में हम बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये तो फिर भी कहा जाए तो 25 to 30,000 की पॉपुलेशन है। खितौली जैसा एरिया, वहाँ पर भी एक स्टोर स्टार्ट हुआ है, वो तो और भी छोटा एरिया है, अप्रॉक्स 15 to 20,000 की पॉपुलेशन है वहाँ पे। आप भी एक छोटे एरिया में बहुत बढ़िया बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, क्योंकि आजकल इसी का एक क्रेज़ आ गया है कि सुपर स्टोर, छोटा सा सुपर स्टोर या फिर छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर हो, तो वहाँ पर कस्टमर आना पसंद करते हैं, अपने से सामान निकालना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे स्टोर के प्रॉफिट की बात कर लें कि ऐसे स्टोर स्टार्ट करने में प्रॉफिट क्या है। अच्छा, एक शॉपिंग एक्सपीरियंस भी होता है ना ऐसे। एग्जैक्टली, कस्टमर का एक एक्सपीरियंस होता है कि हम खुद से जाएं शॉपिंग करें। तो कस्टमर्स को सबसे पहले ऐसे स्टोर्स में आना अच्छा लगता है। हाँ। उनको अच्छा फील होता है कि मैं एक सिटी जैसे माहौल पे हूँ। हाँ। और मैं सेल्फ शॉपिंग कर पा रहा हूँ, जो कि आज से 5 to 7 years एक सपना हुआ करता था। हम सिटीज़ में जाते थे तब ऐसा माहौल मिल पाता था हमको, और हम इसको एंजॉय करते थे, तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर भी लोग एंजॉय करते हैं। आकर लोग यहाँ पर आते हैं तो अपनी सेल्फीज़ निकालते हैं, ग्रुप फ़ोटोज़ लेते हैं, कुछ फैमिली फ़ोटोज़ लेते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे बरही में ऐसी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपका नियरेस्ट जो भी होलसेल मार्केट है, जैसे हमारे बरही के लिए होलसेल मार्केट है कटनी, कटनी से सारा ग्रॉसरी हमको मिल जाता है, सारा कॉस्मेटिक्स हमको मिल जाता है। पतंजलि का रेंज भी मैंने रखा है, क्योंकि पतंजलि आइटम्स की बहुत डिमांड है। अगर आप स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अप्रॉक्स 50,000 की इन्वेस्टमेंट में आप पतंजलि का ऑलमोस्ट रेंज जो कि डिमांडिंग है उसको रख सकते हैं। तो आप 4 lakh में, 1 lakh आप मान के चले रैक में, 3 lakh आप मान के चले स्टॉक में अगर 50,000 पतंजलि को देते हैं तो आपको एक बूस्ट देगा आपकी सेल को। और कस्टमर्स ऐसे स्टोर में आते हैं सेल्फ शॉपिंग, खुद से सामान उठाना देखना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस कारण भी ये एक अच्छा बिजनेस हो जाता है कि सक्सेस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सेकंड थिंग, छोटे कस्बों में प्रमोशन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है, माउथ पब्लिसिटी बहुत काम करती है। और ऐसे कोई भी नया काम आप करते हैं छोटे कस्बों में तो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू बहुत जल्दी पूरे आपके एरिया में फेमस हो जाते हैं, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी ही अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें कहा जाए फेलियर तो अभी तक मैंने जितने भी स्टोर्स घूमे हैं, एक्चुअली मैं स्टोर स्टार्ट करने के पहले काफ़ी स्टोर्स मैंने वॉच किया, देखा, घूमा, तो फेलियर मैंने एक स्टोर देखा कटनी शहर में है, तो वहाँ पर फेलियर का एक ही रीज़न था कि जो ओनर हैं वो
खुद नहीं बैठते थे, खुद वॉच नहीं करते थे। अच्छा। और उनका कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था, उन्हें बंदे बैठा दिए और ट्रैकिंग कुछ नहीं है और स्टॉक अपडेटेड है या नहीं। सबसे पहली चीज़ होती है स्टॉक अपडेट होना, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो तुरंत अपडेट हो जाए, कस्टमर लौट के ना जाए। कस्टमर एक्सपेक्ट कर ऐसे स्टोर्स में कस्टमर जनरली बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करके आते हैं कि हमने सिटी में घूमा था तो वहाँ पर हमको ऐसे स्टोर में ये चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ पर भी मिलनी चाहिए। तो एटलीस्ट वो रेंज तो आप रखें जो कस्टमर डिमांडिंग है। और आपको अगर ऐसा आइडिया नहीं है कि क्या क्या डिमांडिंग होगा आपके ऐसे स्टोर में और क्या रखना चाहिए, तो सबसे पहले आप कम से कम 8 से 10 स्टोर ऐसे घूम के आइए आपके नियरेस्ट एरिया में, और छोटे कस्बों में जो स्टोर खुल चुके हैं वहाँ पर घूमें, ज़रूर घूमें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको देंगे, क्योंकि आप ऐसे एरिया में खोलना चाह रहे हैं। और बड़े सिटी में खोलना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत ही मतलब ब्रॉड कस्टमर बेस है, तो वहाँ पर भी स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना हो सकता है, या फिर अपने मोहल्ले के लेवल पे भी खोल सकते हैं। मैं तो कहूँगा नॉर्मल छोटा सा किराना स्टोर ना खोल के ओनली आपको रैक्स और सामान जमाने का सिस्टम चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और आप छोटा सा नॉर्मल किराना स्टोर ना खोल के सुपर स्टोर टाइप का कंसेप्ट लगा दें। रैक्स के बारे में मैं कुछ आप लोगों को रैक्स के बारे में बता दूं। रैक्स के तीन चार वेराइटीज़ आती हैं। जैसे ये रैक मैंने अपने स्टोर के बिहाफ से सेलेक्ट किया है, ये डायमेंशन है इसका, वॉल रैक कहलाता है। ये दो टाइप के रैक होते हैं जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये वॉल रैक है, वॉल रैक ये इसका डायमेंशन है 3x7। ये सिंगल रैक है ये, और इसको जॉइंट करके हम एक लेंथ दे देते हैं जिससे कि लगता है कि सिंगल रैक लगा हुआ है पूरा वॉल पे। तीन फीट के ब्लॉक लगे हुए हैं राइट। तो इसमें 3x7 का डायमेंशन है, इसमें 3x6 भी आता है, 3x8 भी आता है, 3x9 भी आता है। जनरली मैंने 3x7 इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि कस्टमर जनरली कोई भी सामान के अप्रोच में हो, एक्चुअली एटलीस्ट वो निकाल नहीं पाए तो टच तो कर पाएँ। टच करने से ही बहुत फीलिंग आ जाती है कस्टमर को, और फिर हमारे वर्कर रहते हैं तो ऊपर वाले सामान निकाल के दे देते हैं। और आप 8 फीट 9 फीट भी आपने अपने स्टोर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका एरिया कम है तो आप 8 फीट 9 फीट का रैक लगाएं जिससे कि आपका सामान ज़्यादा आप रख पाएँ कम स्पेस में। और ये सेंट्रल रैक होता है, सेंट्रल रैक को हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 7000-8000 के अप्रॉक्स आता है, सिंगल रैक 3x7 का एग्जैक्टली। इसमें अगर हाइट आप कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो 1000 प्लस माइनस भी हो जाता है। तो ये मैंने लिया था जब, तो उस समय 7000 के अराउंड कुछ मैंने लिया था, और अभी थोड़ा सा कॉस्ट शायद बढ़ी होगी क्योंकि आयरन की कॉस्ट बढ़ी है, तो हो सकता है कि 500-1000 का डिफरेंस आ सकता है। गूगल में सर्च करके एग्जैक्टली डीलर आप निकाल सकते हैं, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं और डीलर आपको मिल जाएंगे। और जनरली मैं आपको एक छोटा सा गाइड भी कर सकता हूँ कि हमारे जबलपुर एरिया में महाकौशल करके महाकौशल आयरन वर्क करके है, और रीवा में भी एक है हमारा स्कूल ग्रो करके, स्कूल ग्रो रैक्स करके, उसमें स्कूल प्री स्कूलिंग और ये सब सारे टॉयज एंड झूले वगैरह बनाते हैं, और उसके साथ रैक का भी काम है उनका, अच्छा काम है उनका भी। तो बाहर ना जाके आप नियरेस्ट एरिया से ही लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बचेगा आपका। सेंट्रल रैक ये होता है, हम जैसे दो वॉल के बीच में स्पेस ज़्यादा है उसको भी कवर करना है, और सामान आप ऑब्वियसली सामान तो रहेगा ही, तो सामान को कवर करने के लिए, सामान ज़्यादा जमाने के लिए सेंट्रल रैक को जमाया जाता है। तो सेंट्रल रैक में दोनों साइड विंग्स होते हैं, दोनों एग्जैक्टली ये भी 3 फीट के विड्थ इनकी सभी की 3 फीट ही रहती है, स्टैंडर्ड साइज है ये। इसका प्राइस अप्रॉक्स 8000-9000 जाता है। मैंने जब लिया था तो 8200 के अराउंड कुछ पड़ा था मुझे सिंगल रैक। इसमें क्या होता है, दोनों साइड विंग्स होती हैं इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ा सा वॉल रैक से ज़्यादा होती है, और कहा जाए तो इसमें सामान भी काफ़ी सारा मैनेज हो जाता है। दोनों साइड हम वेराइटीज़ अलग अलग जमा सकते हैं, जैसे कि मैंने कैटेगरी वाइज जमाया है अपने स्टोर पर। एक वॉल पर ये मैंने सारा किराना आइटम, ग्रॉसरी आइटम मैंने सारा मैनेज किया है। फिर इसी के अपोजिट में मैंने अपना सामान ये बाथरूम नीड्स, जैसे सोप्स, टूथपेस्ट एंड फिनाइल वगैरह, फेस वॉशेस, ये सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। फिर मैंने एक और रो निकाला है, मेरे पास स्पेस ज़्यादा था तो मैंने उसको ज़्यादा यूटिलाइज किया है। इधर पे कॉस्मेटिक्स आइटम, कॉस्मेटिक्स में क्रीम हो गया, हेयर ऑयल हो गया, और अपना बॉडी लोशंस एंड शैम्पू वगैरह भी इंक्लूड कर दिया मैंने इसी में। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट एक रो बनाई है, मैंने 1, 2, 3 रोज रखी है। लास्ट रो में मैंने यहाँ पे फूड आइटम रखे हैं, फूड आइटम में जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गया, नमकीन हो गया, रेडी टू ईट आइटम है, ये सब मैंने मैनेज करा है। तो इस टाइप से आप भी
छोटे छोटे ब्लॉग्स बना के छोटी छोटी कैटेगरीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे व्यूवर्स को। आई होप हमारे व्यूवर्स समझेंगे इस सभी चीज़ों को और काफ़ी मोटिवेट होंगे। लास्ट कुछ आप बोल दीजिए। और मैं सबसे पहले प्रकाश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे स्टोर पर आए और हमारे स्टोर का इतना प्यारा वीडियो बनाया। लास्ट टाइम भी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था और बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिले थे उस पर, और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। हम अगर आपने अभी तक फ्री ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। कुछ भी हेल्प के लिए मैं अपना नंबर इस वीडियो पर ड्रॉप करना चाहूँगा, अपना फ़ोन नंबर इस वीडियो पर ड्रॉप करना चाहूँगा, जिससे कि आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।